हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन को लेकर की गई व्यवस्था का मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जायजा। एडीजी, आईजी, मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। जन समस्याओं के निवारण के संबंध में भाजपा महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्षद दलों की बैठक हुई संपन्न। महापौर सीताराम जायसवाल भी रहे मौजूद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अजीत जयनारायण सिंह ने बताया, राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगेंगे 1600 आरक्षी, 30 एसपी व एएसपी और 50 डिप्टी एसपी सहित अन्य जवान। 46वीं जवाहरलाल नेहरू राज्य विज्ञान गणित एवं पर्यावरण मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का हुआ समापन। प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आगरा में प्रस्तुत करेंगे अपने मॉडल। राष्ट्रपति के आगमन पर सड़कों के किनारे दीवारों पर बनाई जा रही है कलाकृतियां। राष्ट्रपति को कुंभ मेला, नमामि गंगे की भी झलक दिखाने की जा रही है कोशिश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में एडवांस मटेरियल साइंस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन है सतर्क। सड़कों से अतिक्रमण हटाने में लगी रही विभिन्न विभागों की टीम। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने दूसरे दिन भी जारी रखा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। प्रोफेसर अजय शुक्ला को बनाया गया गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाथ चंद्रावत छात्रावास का वार्डन। कहा, सुधारी जाएगी छात्रावास की व्यवस्था। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर महानगर के विद्युत पोलों को एलईडी लाइट से गया सजाया। पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस लाइन में आरक्षी अभ्यर्थियों का चल रहा है फिजिकल टेस्ट। ऑल टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने डॉक्टर रामाशीष सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत चल रहे बालक वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर कॉलेज जंगल दूसर के छात्रों ने आर्मी पब्लिक स्कूल कूड़ा घाट को हराया।